हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं महंत रविंद्रानंद सरस्वती, थानापति श्रीपंथ 10 नाम, जूना अखाड़ा, हरिद्वार। मैं जब से इस संत समाज में, इस संत जीवन में आने के बाद में पूरे देश में आना जाना रहता है और विदेशों में भी काफ़ी आना जाना रहता है। ज़्यादातर हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज में कैसे सुधार हो, समाज में हमारे सनातन संस्कृति कैसे उसकी रक्षा हो, और इसके अंतर्गत आजकल ज़्यादातर गो रक्षा में काम कर रहे हैं। गावो ममाग्रताः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में सर्वताः सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम। अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, गायें मेरे आगे हों, मेरे पीछे हों, गायें मेरे सबोर हों और मैं गायों के मध्य वास करूं। गायों की महिमा अपरंपार है। प्राचीन काल से साहित्यिक तथा लोक जीवन में भी गौ की महिमा की परंपरा सर्वत्र व्याप्त है। आज की अपेक्षा प्राचीन काल में प्रायः सभी गौ सेवा परायण थे और गायों की संख्या बहुत अधिक थी, जिससे समग्र देश में गौ जाति श्रेष्ठ अन्न, गव्य पदार्थ, सुख, शांति एवं समृद्धि का बाहुल्य था। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थीं। वर्तमान में दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के कारण सात्विकता से विचलित लोग गौ भक्ति से दूर हो रहे हैं, जिससे गौवंश की भारी उपेक्षा हो रही है और गौ की संख्या नगण्य सी रह गई है। अब हम आपको एक ऐसे गौ ऋषि से मिलवाते हैं, इनका जीवन परिचय करवाते हैं। गौ ऋषि रमेश भाई रूपारेलिया, सुपुत्र श्री बेलजी भाई रूपारेलिया, 3 दिसंबर 1978 को जन्मे, सांडवाया जिला, राजकोट तहसील, कोटड़ा, संगानी के मूल निवासी हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए मैं एक बार राजकोट गोंडल गया। वहाँ मैं आप रमेश भाई से मिला। तो गोंडल में रमेश भाई से मिलने के बाद में मैं इनके बारे में जाना और इनकी जो गौ सेवा और गौ भक्ति और इसके बारे में मुझे जानकर और वहाँ मैं मुझे देख कर के बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि एक सामान्य एक किसान घर का एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा कोई डिग्री हासिल नहीं किया है, ये सामान्य एक सामान्य परिवार से जीवन यापन करते हुए आकर के आज एक गौ के बारे में, और इन्होंने एक गिर गौ जतन केंद्र के नाम से इन्होंने एक उसका संस्था बनाई है, और उसके अंतर्गत इन्होंने एक सामान्य रूप से छोटा का रूप लेकर के उस गाय को, गौ को कैसे रक्षा करनी है और गौ की कैसे पालन करनी है, गौ की क्या स्वभाव है और गौ से हमें क्या प्राप्त होता है और गौ को किस प्रकार उसकी हम अपनापन देख सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने रमेश भाई ने उसको बहुत नज़दीकी में रहते हुए उन्होंने उसको जाना और उसको देख करके मुझे बहुत आनंद आया। सांडवाया से 2006 में रोजी रोटी की तलाश में गोंडल 2 बैल और 1 गाय के साथ आए और किराए पर खेत लेकर गोबर व गौमूत्र से प्राकृतिक रूप से खेती का काम शुरू किया। मेरा नाम रूपारेलिया रमेश भाई बेलजी भाई पटेल है और वैसे तो हम लोग 300 साल पुराने पंजाब के रहने वाले हैं और अभी हम गुजरात में करीब 200 साल 150 साल से बसे हुए हैं और अपना खेती कृषि के साथ मजदूरी का पूर्वजों का और अपना काम है मजदूरी का। उसमें हम लोग गुजरात के कोटड़ा संगानी तालुका के सांडवाया गांव में रहते थे और वहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत 10 एकड़ ज़मीन थी और दादा परदादा से चली आ रही थी, और कुछ गाय रखते थे, कुछ नंदी से खेती करते थे। और उसके बाद हमने एक सोचा कि गौसेवा का काम हो और गाय कैसे बचे। धीरे 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 गौसेवा की ओर झुका हुआ अपना, और मैंने जीवन में एक गौशाला का एक संस्थान का स्थापन किया जिसका नाम है पुरानी संस्था श्री रामगढ़ बापू गौसेवा ट्रस्ट सांडवाया। आप एक अच्छे गौ ऋषि के रूप में उनको संबोधन किया जाए, क्योंकि गौ के बारे में सब कुछ ज्ञान इनके अंदर है, ये तो गौ ऋषि से कम नहीं है। इसी मैं इनको बहुत इस काम के लिए बहुत शुभकामना देता हूँ। रमेश भाई, आपको गौ माता की कृपा से ये सब मिला है, ये तो आपको बहुत किसी पिछले जन्म के तपस्या का फल है। आपको गौ माता ने ये सब ज्ञान दिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और देश आपसे लाभ लेगा और गौ माता के आप आशीर्वाद सदा बने रहे। तो ये महाराज जी, ये जो सब काम हमने किया है वो उसमें सबसे पहले तो मैं गौ माता का उपकार समझूंगा कि उसने मुझे सेवा करने का मौका दिया, और दूसरा श्रेय आपको जाएगा, संतगण को, जिसने हमें बारंबार प्रोत्साहित किया, ऊर्जा बढ़ाई। और तीसरा श्रेय जाएगा मेरे माता पिता और परिवार को कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहायता की, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम में सहयोग किया। उस आप सब के आधार पे आज मुझे आप जैसे संतगण, गोपालदास जी महाराज जैसे महान आप है, जैसे वो माता जी है, ऐसे कई दुनिया भर के संत इस काम में जुड़े हैं और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए और लोग को प्रेरणा मिले, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। सबसे पहले प्याज की खेती लगाई, काम चल पड़ा। खेती करते करते गोंडल शहर में 4 एकड़ जमीन खरीदी। तदनुसार उन्होंने एक एक करके ऐसी गाय पसंद की जो कि गिर नस्ल की वर्ल्ड क्लास थी, लेकिन गाय प्लास्टिक खा खा के बर्बाद हो चुकी थी। उसको खरीदा और फिर पेट से 250 किलो तक प्लास्टिक ऑपरेशन से निकलवाया। एक अच्छी नंदी जिसकी मां का दिन का 36 लीटर दूध हो, ऐसी नंदी से नस्ल सुधार एवं गौ संवर्धन का एवं गौ विज्ञान गौ कृषि का काम चालू किया। आज इनके पास 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की गाय है, और ऐसे लगभग आज 35 गाय इनके पास हैं। ये गाय का नाम है हीरा, और ये दिन का पहले बयान में 22 लीटर दूध दे रही है, और इसी नस्ल में हम दिन का जो 38 लीटर दूध वाला नंदी है उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि इनसे जो जनरेशन नया पैदा हो वो करीब दिन का 30 लीटर के आसपास का बच्चा हो जाए, और ये नस्ल को बढ़ावा मिले और लोगों को रखने में भी सूट हो, मतलब आमदनी के लिए भी अच्छा रहेगा। और इसका जो हार्ड है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये पूरा पुरानिक तरीके से है। उसकी आँख, उसका मुंह, उसका कान, उसका स्ट्रक्चर, पैर, उसका स्थान, इसका स्थान, इसकी बॉडी, इसका जो ये है मैकेनिज़्म कहते हैं ना जिसको इंग्लिश में, वो इतना मजबूत है कि ये हड्डी वाली गाय अभी कहीं मिलती ही नहीं है। और इसको यदि हम लोगों ने डेवलप नहीं किया तो ये जीवन भर पछताने का समय आ जाएगा, इतना ये पौराणिक चीज़ है। और इसको संभाले नहीं तो फिर सारा विदेशों में रह जाएगा और अपना देश ऐसे ही बातें में रह जाएगा। और ये जो चीज़ है ये इतनी बढ़िया चीज़ है, इसमें जो गाय के गुण होने चाहिए, जो मतलब गाय किसे कहते हैं, वो सारे गुण और पहचान सारी इसके अंदर है। इंसान के साथ बातें करने का सामर्थ्य इस गाय में है। गौ माता के आशीर्वाद से आज इन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो बीमारी डॉक्टर गाय को हाथ लगाकर बताते, वो बीमारी भाई रूपारेलिया गाय से 10 फीट दूर रहकर ही बता सकते हैं। इधर उधर भटकते हुए गौ पॉलिथीन आदि खा लेते हैं, लोग उनके यहाँ ला के छोड़ देते हैं। उसको स्वयं ऑपरेशन करके डॉक्टर को सामने रख करके वो उसको प्रमाणित तौर पे ऑपरेशन करके वो निकाल करके उसको ठीक किया है। काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, काफ़ी सारे उसका तजुर्बा इनको है, और काफ़ी डॉक्टर इनसे सलाह लेते हैं। गौ ऋषि रमेश रूपारेलिया, जिन्होंने गौ सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया, ये हैं भाई रमेश रूपारेलिया, उनकी पत्नी मनीषा बेन। मनीषा बेन गौ सेवा के कार्य में रमेश रूपारेलिया का कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। चाहे वो गौ को चारा खिलवाना हो, गाय का गाय के थन में हमेशा से दूध होता है। जानते हैं गौ ऋषि से, जब गाय पूंछ उठा करके गोमूत्र देती है बच्चा छोड़ने के वक्त, तभी उसके दिमाग से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है और ऑक्सीटोसिन का स्राव के हिसाब से थन के अंदर दूध आता है। गौशाला के प्रांगण में बने कुएं व सिंचाई के साधनों के बारे में जानते हैं। ये कुआं जो है हमारे परिवार ने साथ मिलके पूरा परिवार की मेहनत से इतनी कठिन मेहनत करके बनाया था और इसका उद्देश्य ये था कि इसका पानी हमारे खेतों में काम आए, सिंचाई के लिए और गौशाला के काम में आए। इस उद्देश्य से कड़ी मेहनत से ये कुआं बनाया गया है और इसका फल भी हमें अच्छी तरह मिल रहा है, इसका पानी भी अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि ये पूरा एक ड्रिप इरिगेशन का हेड यूनिट बोला जाता है। इसमें ये वाल है, ये सेंट्रल वाल है, ये फिल्टर है, ड्रिप फिल्टर, ये वेंचुरी टेक्नोलॉजी है। इन सारी चीज़ों का एक यूनिट बनता है और इसी यूनिट के माध्यम से हम आसानी से गौमूत्र, जो गौमूत्र से बना फर्टिलाइजर है, वो पौधे के मूल तक पहुंचा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पानी के टंके के साथ एक सोलार लगा रखा है और ये सोलार हमने इसलिए लगाया है कि हम जब कोई फैसिलिटी का इस्तेमाल अपने जीवन के लिए करते हैं, जैसे कि घर पे सोलार लगाया तो हमने साथ गौशाला में भी सोलार लगाया, क्योंकि इससे जो गर्म पानी आता है वो गाय के थन धोने में, गाय को बीमारियों में पिलाने, गाय को नहलाने में और जब गाय डिलीवरी होती है, बच्चा देती है, तब 10 दिन तक लगातार इसके पानी में, गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के उसका पूरा शरीर हम झाँकते हैं ताकि गाय की स्टेमिना जल्दी से जल्दी फिर से डेवलप हो जाए और गाय रेगुलर रूटीन में आ जाए। ये तो थी गौशाला व गौशाला से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। इसका नाम जो है चंद्रकांता है और ये एक पुरानी, इतनी पुरानी नस्ल है कि अभी इसका तो लाखों में कीमत लगेगा। ये पूरे भारत में जो करीब 50 गाय है उसमें से एक गाय रहेगी। और ये है समृद्धि, इसका नाम समृद्धि है। वो जहाँ हम जाके बैठते हैं ना, वहीं आके हमारे पास, मतलब जैसे लड़के बैठते हैं वैसे ही आके बैठ जाती है। इसका नाम है नचिता, इसने अभी बच्चा दिया हुआ है और इसकी माँ 16वें बच्चे पे 10 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इतनी बहुत जोरदार हमारी नस्ल है, भारत की जो लुप्त होती हुई प्रजाति है। और इसका नाम है दुर्गा, ये कभी किसी को हाथ टच नहीं करने देती, लेकिन दूध निकालने में इतनी शांत रहती है कि देखते ही रह जाते हैं लोग। इसका नाम है मोरली और ये जो है इसकी माँ का बाप राष्ट्र चैम्पियन था उस वक्त में, ज़माने में, लेकिन वो किसान ने बिगाड़ दिया है, तो हम नस्ल सुधार के लिए लाए हैं। और इसका नाम है हीरा, ये इंसान से इतना प्यार करती है और पहले बच्चे में 10-11 लीटर दूध भी देती है। ये गाय है बहुत पुरानी नस्ल और गिर में जानी मानी, जो A1 क्लास कही जाती है, ऐसी नस्ल है। लेकिन इसको एक ग्वाल ने कागज़ के टुकड़े, मतलब कचरा पेटी पे खोल रखा था, तो उसको वहीं से हम उठा के लाए और उसमें अब आगे गिर गोवंश को आगे बढ़ाएंगे और गिर गोवंश का सुधार करने के लिए उसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसकी खासियत है, इसका नाम है साखली। ये वो वंश की गाय है पुराने राजाओं के ज़माने में कि अभी इसकी माँ जो हमारे पास थी मर गई है। अब वो जो बीच में रहती ना, तो कोई बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता, इतना इसके अंदर सेंसिटिविटी है। कोई मुझे छू भी नहीं सकता, इसकी माँ जब खड़ी रहती है कोई यहाँ रुक भी नहीं सकता, इतना वो रखती है। और ये गाय है नचिता, अभी 16 बच्चा दे चुकी है, 17वां देने वाली है, फिर भी दिन का 20 लीटर दूध देने का जज्बा रखती है और एक साथ करीब 40 किलो तक खा सकती है खाने का एक साथ। इसका नाम है नंदी समर्थ, इसकी माँ का पर दिन का 28 लीटर दूध है और ये हम नस्ल सुधार के काम के लिए लाए हैं। ऐ समर्थ, इसका भाई है जो दिन का 38 लीटर दूध वाला नंदी बंशीधर, उसी नस्ल की है, इसका नाम है राधा। और ये जो है निर्मला, ये उसी की लड़की है, दिन का 28 लीटर दूध है और अभी छठा बच्चा देने वाली है। गाय को ग्रास संबंधित कुछ जानकारी। ये कॉटन का खली है, जो कॉटन का ऑयल निकलने के बाद जो बचा हुआ है उसको अंदर तुअर की चूनी डालते हैं और उसको गर्म पानी से भिगोते हैं ताकि जो रूमिन के अंदर काम होना है, गर्म होना है, वो आधा काम बाहर ही हो जाए ताकि गाय को पाचन करने में बहुत नरम हो जाए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर सतावरी, पुनर्नवा, काला जीरा, सिंधो नमक, ये सारी चीज़ें डाली हुई है ताकि गाय की अंदर से जो दूध निकले उसकी समृद्धता बढ़े, जो दूध खाता है उसका आरोग्य प्रदीप्त होता है। और गाय को प्रजनन के लिए, दूध के लिए, उस जब दूध प्रदीप्त आता है तो बच्चे के लिए भी आरोग्यप्रद हो जाता है। ऐसी चीज़ें इसमें कुछ अपने पुराने पूर्वजों के समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा फ़ायदा है, वो रिजल्ट भी अच्छा है। गौ ग्रास के लिए उपयुक्त मौसम के अनुसार खेती कर गौ का ग्रास तैयार किया जाता है। ये गाजर हमारे ही खेत में हमारे ही गाय के गोबर और गौमूत्र से बना हुआ, पका हुआ, पूरा नैसर्गिक प्राकृतिक गाजर है। और ये गाजर जब गाय खाती है 3 महीने तक, और उसी का पंचकव्य यदि कोई 3 महीने तक पीता है तो उसको जीवन में कभी आँख संबंधित बीमारियां नहीं होती। इस इतनी ताकत है इसकी और गौमाता की कि यदि ये खाते हुए कोई इंसान ये इसका पंचगव्य पीता है गौमाता का तो उसको जीवन भर कोई आँख की समस्या नहीं होती है, और जो होती है वो भी टल जाती है। वो पूरा हमारा उसका हमारे पास पूरा प्रमाण है। हमारे पिताजी हैं और ये जो हम संस्थान चला रहे हैं गिर गौ संवर्धन का, गौ बचाव अभियान, उसमें सबसे बड़ा इनका रोल है। और ये 24 घंटा गौशाला के ऊपर ही रहते हैं और कोई भी हलचल नहीं हो, गाय की पोजीशन या बीमारी के बारे में तुरंत हमें जानकारी दे देते हैं कि ये पोजीशन में बदलाव आया है तो इसका क्या करना है। मतलब इसके पास भी पुराना ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ, उसी से ही हमारा संस्थान आगे चल रहा है। आ गौशालाનું કામ છોકરા કરે છે ને હારું કામ કરે છે અને હારું કામ કરે એવી અમારી કાયમી અપેક્ષા। બીજો હું गौशाला के सभी कार्यों से निवृत्त होकर रमेश भाई गायन वादन में भी दिलचस्पी रखते हैं तथा अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। वैसे तो संगीत के साथ हमारा बचपन से ही लगाव है और संगीत से ही सारी दुनिया, मतलब आध्यात्मिक का और गौपालन का ज्ञान हमें संगीत से मूल में मिला है। और संगीत से चलते 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 गाय, कृष्ण, उसके बारे में जानते 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 ऐसा हुआ कि असल में तो पूरी प्रकृति का मूल असल में गाय ही है। तो उस प्रकार से मेरा गौ माता से नाता ही संगीत के माध्यम से ही हुआ है। गोपिया जैसे कृष्ण को जसोदा मैया से मांगती है एक रास के लिए और एक रात के लिए, तभी क्या बात होती है वो एक इस गीत में मैं सुना देता हूँ। जसोदा मैया मोहन माय गो दियोने, अरे माली मोहन माय गो मने दियोने रे जसोदा मैया मोहन माय गो दियोने। आज नी रात यमें रंग बरी राम सो, अरे माली प्रभाते पाछो मागी ल्योने रे जसोदा मैया मोहन माय गो ल्योने मोहन माय गो ल्योने। मैं सिद्धार्थ रमेश भाई रूपरेलिया हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं अभी तबला सीखता हूँ, थोड़ा बहुत आपको बजा के सुनाऊंगा। प्रातः काल में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम एवं ध्यान के द्वारा अपनी दिनचर्या के कामों को करके रमेश भाई ज्यादा से ज्यादा समय गांव के साथ ही व्यतीत करते हैं। जैसा कि पूरा विश्व अब गौ के प्रति जागरूक हुआ है, भारतीय जो गौ माताएं हैं हम उनको माँ का दर्जा देते हैं। और मेरा एक संदेश है कि पूरे विश्व को, पूरे गो प्रेमियों को इस संवर्धन जो प्रकल्प है, जो क्रियाएं हैं, जो उनके गुण हैं, उसको जो गिर गौ जतन संस्थान है वहाँ जाकर के सबको उसका लाभ लेना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से सबसे एक विनंती है। रमेश भाई रूपारेलिया आधुनिक विज्ञान में भी दिलचस्पी रखते हैं। लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन व इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि को भी बखूबी ढंग से ऑपरेट करते हैं और इस सेवा के लिए इनका उपयोग करते हैं। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल बना हुआ है गिर गौ जतन संस्थान के नाम से। उसमें गाय को खाने का, रहने का, दूध निकालने का, बीमारियों की जानकारी, गाय को कैसे, गाय से बर्ताव कैसे करना, गाय के साथ व्यवहार कैसे करना, वो पौराणिक जो जानकारियाँ है हमारी वैदिक परंपरा से, उसका कुछ ज्ञान उसमें मिल सकता है। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ रखी गई है और भी आगे रखी जाएगी। और एक गिर काव केयर करके हमारा एक वेबसाइट भी है, उसी में हमारे संस्थान की जो 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 प्रक्रियाएँ हैं गाय रिलेटिव वो सारी आपको देखने में मिलेगी। और हमारा जो चैनल है वो भक्ति भजन कीर्तन, भक्ति गंगा, आरोग्य और गीत गंगा के साथ लिंक दिया हुआ है। हेलो, जय गौ माता जी। राजकुमार जी, क्या हाल चाल है? बस हाल चाल ये है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका जो गिर गौ जतन संस्थान के नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है वो बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है और लोग इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फेसबुक आईडी पे आप अपने फेसबुक आईडी पे इसका लिंक पोस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, जय गौ माता। ये हमारी घोड़ी है और ये काठियावाड़ी शुद्ध नस्ल की है। इसका गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किया गया है और इसकी ये खासियत है कि अपने मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा वफादार रहती है। कोई भी चीज़ है तो जैसे कि सांप यहाँ से 200 फीट की दूरी पे होता है तो इसको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ये आ रहा है, तो ऐसी इसमें कुछ खासियत है और इसको हम शौक़ और ब्रीड नस्ल बचाने के लिए पाल रहे हैं ताकि ये जो हमारी पुरानी नस्ल है वो लुप्त ना हो जाए और टिकी रहे। इसको बचाने के लिए यही हमारा उद्देश्य है कि काठियावाड़ी घोड़ा की नस्ल जो है वो भी बचाए हम। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का उद्देश्य ये है कि गौ माता की महिमा को जन साधारण तक पहुंचाया जाए। इस आधुनिक युग में जीवन यापन करते हुए गौ की सेवा की जा सके, गौ संरक्षण का विस्तार हो, लोगों में गौ के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़े, गौ हत्या बंद हो। ये मेरा एक दोस्त है मिलन पटेल करके और बड़ा चाहक है हमारा और गाय को बहुत प्यार करता है और हमसे गाय के हिसाब से दोस्ती रखता है। आपको रमेश भाई ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा ज़्यादा तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तकें पढ़े हैं जिसमें ज़्यादातर ज़्यादा गाय और प्रकृति का संबंध है उसके बारे में ज़्यादा मैंने जानकारी लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गाय के बारे में ऐसा काम करना चाहिए कि गाय को बचाया भी जाए, गाय को मानव उपयोगी भी बनाया जाए और प्रकृति उपयोगी भी बनाया जाए। उस वजह से ये जानकारी के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिलती गई। और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये गाय के रिलेटिव ये संदेश है पूरी दुनिया को कि गाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। गाय हमारी माता है, सेवा का साधन नहीं है। अभी तो हम लोगों ने गाय को, हम हिंदुओं ने सेवा का साधन बना दिया है, वो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। गाय का असल में मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मानव का उद्धार का रूप है, उद्धार का द्वार है गाय, ताकि ये सारी चीज़ें हम दुनिया को अपने गिर गौ जतन संस्थान के नाम से एक YouTube चैनल बनाया है, गिर काव केयर करके वेबसाइट बनाया है और रूपारेलिया रमेश भाई के नाम से फेसबुक पेज चल रहा है। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें के माध्यम से हम सारी दुनिया को ये विज्ञान, जो पौराणिक ज्ञान और गाय का, गाय और प्रकृति का संबंध, गाय और प्रकृति और मधुमक्खी का संबंध, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं जीवन पर्याय कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको जाने और इसका इस्तेमाल करें और गाय को समझे। बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य रहेगा। बचे हुए खाने की कोई भी वस्तु पॉलिथीन में बांधकर कूड़े में ना डालें क्योंकि पॉलिथीन सहित गौ माता इसे खाती हैं और वो पॉलिथीन ना तो गोबर के माध्यम से बाहर आता है और ना ही मुंह के रास्ते से। गौ माता इस वजह से धीरे धीरे बीमार होकर मर जाती है। कृपया कोई भी गाय जो खाती है वो चीज़ कागज़ या प्लास्टिक में लपेट के मत डालिए ताकि कसाई गाय को सीधा काटता है और हम लोग ये कागज़ खिला के मारते हैं, वो कसाई के बरोबर ही एक गौ हत्या के बरोबर ही काम है। तो कृपया हम उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि जो गाय खा सकती है ऐसा बचता है उसको प्लास्टिक में लपेट के नहीं डालेंगे ताकि वो कसाई के बरोबर ही गौ हत्या हो जाती है और गाय को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो जिंदी मरी हुई रहती है। हमारे द्वारा अनजाने में की गई गलती गौ हत्या के समान है। इस डॉक्यूमेंट्री को देख समझकर अगर कोई भी व्यक्ति इस पे अमल करता है तो भाई रूपारेलिया अपने प्रयास को सफल मानेंगे। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है कि गाय की मूल्यवर्धित जानकारियाँ और गाय को कैसे बचाया जाए, गाय को कैसे प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एक तो गाय का दूध बढ़े ऐसा संवर्धन होना चाहिए, दूसरा कि अच्छी नस्ल है उसको एक सेटअप होना चाहिए, उसको बिजनेस के तरीके से देखना चाहिए, आमदनी के रूप से। हम लोगों ने गाय के गोबर, गाय का घी और प्राकृतिक गूगल डाल के इसमें एक अगरबत्ती ऐसी बनाई है जो पूरी प्रकृति का वायुमंडल शुद्धिकरण करता है। और जो ये अगरबत्ती का धुआं जिस इंसान के फेफड़े में जाता है उसको प्राणवायु शुद्ध मिलता है। हमारी वैदिक परंपराओं से जो चली आ रही चीज़ है उसको हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। गाय की चीज़ हमारे इस्तेमाल में, जीवन के इस्तेमाल में आए और हमें शारीरिक एवं आरोग्यप्रद फायदे मिले। जैसे कि एक तो ये चीज़ है अगरबत्ती, दूसरी चीज़ है फिनाइल, धूपबत्ती, गोमूत्र अर्क संबंधित 30 प्रकार के कैंसर की दवाइयाँ, और साबुन बनते हैं गाय के घी और गोबर से, और गाय के गोबर और गोमूत्र से कुछ खाद बनते हैं, कुछ पेस्टिसाइड बनते हैं। तो ऐसी असंख्य चीज़ें हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ के रूप में बना के गाय से आमदनी कर सकते हैं। तो वो भी एक गौ बचाव का उद्देश्य, गौ बचाव का रास्ता ही है। गौ माता के ऊपर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है जिसमें हमने यथाशक्ति अपनी जो जानकारियाँ थी मैंने वीडियो निर्देशन के माध्यम से आप तक पहुँचाया। आपका आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान हमें मिलता रहे। जय गौ माता। इसी शुभ कामना के साथ कि गौ संपदा का मान हो, आपसे विदा लेते हैं। जय गौ माता।